मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की, जहां पर जिले की सिलवानी तहसील के ग्राम सियरमऊ में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और सिलवानी विधायक रामपाल सिंह राजपूत द्वारा 1,64,00,000 रुपए से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और विधायक सिंह द्वारा कन्या पूजन और दीप प्रज्वलित कर किया गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सुविधाएं रहेंगी, दवाइयां, श्री बाबूलाल, श्री हर्षित अहवार, श्री राहुल साहब, वेटिंग एरिया, ऑफिस, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, जनरल स्टोर, कोल्ड चेन का, टॉयलेट और विकलांगों के लिए चढ़ने के लिए रैंप का भी निर्माण होगा। तो एक भव्य अस्पताल इस क्षेत्र के लिए लंबे समय से मांग चली आ रही थी और ठाकुर रामपाल सिंह जी के प्रयासों से हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से, आप लोगों के सबके आशीर्वाद से, मुझे भी मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी मध्य प्रदेश की दी है। तो रायसेन जिले में स्वास्थ्य की सेवाएं पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी मिशन का अनाज हम बांट रहे हैं गरीबों के लिए, भारतीय जनता पार्टी, इसमें लोगों को आयोजन हो रही, इसको बंद कर दो, विवाह बंद कर दो बेटियों का, संबल योजना बंद कर दो, गरीबों की योजना बंद कर दो, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अब कुछ लोग निकलने लगे, उस दिन मढ़ई में गए थे, देवरी हथना पर पड़ता हुआ प्रवचनों में गए थे, अभी सत्संग भवन में ढालों वालों का सम्मान किया, लेकिन अब ये चुनाव आएंगे तो कुछ लोग आने लगे, अभी खबर मिली मुझे कहीं कहीं से आने लगे, नहीं बुलाते तो भी आ रहे, कुछ लोग डर जाते हैं भैया भगाएंगे तो नहीं, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहना है जिन्होंने वर्षों तक इस क्षेत्र का हमारे साथ अन्याय किया, हमारे क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ने दिया। यहाँ सड़क एक सड़क का नाम भी बता दे उन्होंने बनवाई है, थमन पे नाम दे दो, लेकिन कुछ नहीं, काम कुछ नहीं किया, जनता गरीबी के साथ अन्याय किया।